लगातार खबरों में हमारे साथ ताबुन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप T20 की तारीख बदल डाली। ग्रीन शर्ट्स ने आलमी कप में भारत से कामयाबी का जमूर तोड़कर तारीखी फतह को यादगार बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में नसला टावर को किराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में नसला टावर से मुतालिक केस की समाअत हुई। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सेफ सिटीज लाहौर में इजलास की सदारत की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मरकजी क़यादत के हुक्म पर साहिवाल में भी मुल्क में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। सूडान की वजारत इत्तला'आत ने फौज की जानिब से वजीर आजम अब्दुल्ला हमदूक को नजरबंद करके नामालूम मुकाम पर रखे जाने की तस्दीक की है। मशरिकी एशियाई मुल्क सिंगापुर ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर आयात सफरी पाबंदी खत्म कर दी है। मस्कूरा मुल्कों के शहरी कल से सिंगापुर जा सकेंगे। शुमाल मगरबी ईरानी सूबे आजरबाईजान के नए गवर्नर आबदीन खुरम को एक मुश्तैक शख्स ने स्टेज पर थप्पड़ मार दिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में आईटी बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन मुमकिन है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के केस में एक गवाह ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर बाखंडे पर संगीन इल्जाम आयद कर दिया। गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले 2 अरब 60 करोड़ सार्फिन के लिए खतरे की घंटी बज गई। स्विंग के सुल्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम भी पाकिस्तान के हाथों भारत की दर्दनाक शिकस्त पर खास से पुरजोश नजर आ रहे हैं। भारतीय रियासत अर्सिया में नौजवान ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपनी 55 साल अहलिया को फरोख कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप T20 की तारीख बदल डाली। ग्रीन शर्ट से आलमी कप में भारत से कामयाबी का जमू तोड़कर तारीखी पता को यादगार बना लिया, जो अरसे तक शायकीन को याद रहेगी। वर्ल्ड कप T20 में कौमी टीम के भारत के खिलाफ ये पहली कामयाबी है। भारत को आउट क्लास करने के बाद कौमी टीम ने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 152 हदफ के ताकुफ में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग करते हुए डिफरेंशियल बनाई। दोनों ने इनिंग्स के आगाज से ही बॉलर पर दबाव बनाए रखा और मैदान के चारों जानब शानदार स्ट्रोकर्स खेलकर हरीफ टीम की एक न चलने दी। ओपनिंग जोड़ी के सामने बॉलर्स बेबस दिखाई दिए और किसी लम्बे पर भी ग्रीन शर्ट्स के बल्लेबाजों ने बॉलर्स को अपने ऊपर हावी न होने दिया। मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंदों पर 78 रन की बारी खेली, जिसमें 3 बुलंदो बाला छक्के और 6 चौके शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर 68 रन की बारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। पाकिस्तान ने 17.5 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हदफ को पूरा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने एक हफ्ते में नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा है कि एक हफ्ते में नस्ला टावर को कंट्रोल एमुलेशन ब्लास्ट से गिराएंगे और ब्लास्ट से करीब की इमारतें या इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर का मालिक मुतासिम को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची नस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासिम को वापस दिलवाए। अदालत ने मुतालिका हुकाम को एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल जिला इंतजामिया की जानिब से अदालत के हुक्म पर नस्ला टावर की रिहायशों को इमारत खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर दाखला शेख रशीद ने सेफ सिटीजन लाहौर में इजलास की सदारत की। मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। मज़ीद तफ़सील जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुक्मान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, सैनिटर एजाज चौधरी, अली अमीन गंडापुर, चौधरी जहीरुद्दीन ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, आईजी पंजाब राव सरदार अली खान, एडिशनल सेक्रेटरी होम कमिश्नर लाहौर भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क में अमन व अमान की मजमूआ सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला को आईजी पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और कानून नाफज करने वाले अदारों की हिकमत अमली बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखला ने कालदम तंजीम के एहतजाज का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया और मुस्तकबिल के लाए अमल बारे में तमाम मुतल्लिका अदारों से राय ली। इजलास में कालदम तंजीम से मुज़ाकरात बारे लाए अमल पर गौर किया और कहा कि मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुमकिन इकदाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया है। कैमरामैन मुमताज लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मरकजी क्यादत के हुक्म पर साहिवाल में भी मुल्क में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मज़ीद तफ़सील जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मरकजी क्यादत के हुक्म पर साहिवाल जोगी चौक में कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में PDM के कारकुनान ने डिवीजन भर से बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तीनों अजला के MPAs और MNAs ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। मेरे तमाम आज का ये महंगाई के खिलाफ जुलूस, इस नाहल हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम का, साहिवाल की डिवीजन का, साहिवाल की डिवीजन के बुजुर्ग आवाम का, कॉन्फिडेंस का एतमाद है, बदएतमादी का इजहार है पाकिस्तान की 70 साल तहरीक में। एशियाई खुर्दनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। गुरबत की वजह से लोग खुदकुशियां करने और भूख से बल्कि बच्चों को जहर देने पर मजबूर हो गए हैं। नाहल और नलायक हुक्मरानों को चाहिए कि गरीब आवाम की जान छोड़ें। ये मुल्क इन चोरों का मुतमहल नहीं हो सकता। इनका मजीद कहना था कि इन नलायकों को अब घर जाना होगा। इन्हें वोट देने वाले भी अब परेशान और इन्हें बददुआएं दे रहे हैं। कैमरामैन मुमताज लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
सूडान में फौजी बगावत के बाद वजीर आजम को घर में नजरबंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान की वजारत इत्तला ने फौज की जानिब से वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक को नजरबंद करके नामालूम मुकाम पर रखने की तस्दीक कर दी है। सूडान के मुकामी मीडिया का बताना है कि फौज ने काबीना के मुतअद्दिद अरकान को हिरासत में ले लिया है। सूडान के मुकामी मीडिया का बताना है कि फौज ने काबीना के मुतअद्दिद अरकान को हिरासत में ले लिया है, जबकि खरतूम के गवर्नर और दीगर हुकाम को भी हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडानी वजीर इत्तला ने AFP से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि वजीर आजम के मीडिया एडवाइजर, मुल्क की सलामती कौंसल के तर्जुमान और दीगर हुकाम को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में फौजी बगावत के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल किए जाने की इत्तला है और मुल्क में सिर्फ 34% तक इंटरनेट सर्विस बहाल है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फौज की जानिब से शहरियों को घरों से बाहर न आने की हिदायत की गई है। तहां फौजी बगावत के बाद बाज़ शहरों में अवाम की बड़ी तादाद ने कौमी परचम के साथ एहतजाज किया, जबकि दारुल हुकूमत खरतूम में एहतजाजी मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। एक नज़र कम्यूनिटी न्यूज पर। मशरकी एशियाई मुल्क सिंगापुर ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर आय सफरी पाबंदी खत्म कर दी है। मस्कूरा मुल्कों के शहरी कल से सिंगापुर जा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक सिंगापुर ने पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक से आने वालों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र सफरी पाबंदी आयद की थी। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंगापुर हुकाम ने पाकिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका से आने वालों पर आए सफरी पाबंदियां उठा ली हैं। इन ममालिक से आने वालों को सिंगापुर में दाखिले से कबल मुअद्दिन करदा करंतीना सेंटर में करंतीना वक्त गुजारना पड़ेगा, जबकि दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भी लाजमी है। पाकिस्तान समेत मस्कूरा तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफरों को 26 अक्टूबर से सिंगापुर में दाखिले की इजाजत होगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार का दौरा करने वक्त 14 रोज का रिकॉर्ड रखने वाले मुसाफरों को सिंगापुर आने की इजाज़त नहीं थी, तहम अब पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं। शुमाल मगरबी ईरानी सूबे अजरबैजान के नए गवर्नर आबदीन खुरम को एक मुश्तर शख्स ने स्टेज पर थप्पड़ मार दिया। ये वाक़ हफ्ते को इस वक्त पेश आया जब नए गवर्नर तबरीज शहर के इमाम तबकीनी मस्जिद में जारी एक प्रोग्राम में तकरीर के लिए स्टेज पर पहुंचे थे। 23 अक्टूबर को पेश आने वाले इस वाक़े की फोटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि नए गवर्नर आबदीन खुर्रम के स्टेज पर पहुंचने की कुछ देर बाद एक नामालूम शख्स स्टेज पर आया और बगैर किसी वार्निंग के गवर्नर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवर को पकड़ लिया और इसे घसीट कर दरवाजे से बाहर ले गए। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी तंसीम के मुताबिक हमला आवर का नाम अयूब अलीजादा है और वो ईरान की फौज का अहलकार है। सरकारी टीवी IRIB को इंटरव्यू में गवर्नर ने बताया कि वो हमला आवर को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। मस्कूरा टीवी का कहना है कि हमला आवर ने पुलिस को बताया है कि इससे इस बात का गुस्सा आया था कि इसकी बीवी को कोरोना वैक्सीन सेंटर में एक खातून के बजाय मर्द ने वैक्सीन लगाई थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में IT बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपने ताज़ा बयान में मुशीर ने कहा है कि जुलाई तक सितंबर IT और इसकी खिदमात की बरामदात में 42% इजाफा हुआ। अब्दुल रजाक दाऊद ने बताया कि रवा माली साल IT शोबे की बरामदात $635 बिलियन की रही। मुशीर तिजारत का कहना था कि स्टेक होल्डर्स को इनकी काविशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में IT के शोबे में बेहतरी आ रही है, ये अच्छे नतीज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि रवा माली साल IT बरामदात हदफ से ज्यादा होगी। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि 5 से 11 साल के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन मुमकिन है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अब्दाली का कहना है कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस से तहफ़ के लिए फाइजर वैक्सीन लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि मुमलिकत में मस्कूरा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का ऐलान जल्द किया जाएगा। कोरोना की वैक्सीनों की अफादियत से मुतालिक किए जाने वाले तबई मुतालेजात के नताइज हौसला अफजा है। तर्जुमान का कहना है कि तहकीक से पता चलता है कि 12 बरस से कम उम्र के बच्चों और बच्चों को फाइजर वैक्सीन दी जा सकती है, तहम अभी तक इस हवाले से कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अबीद आली ने मजीद कहा है कि सारा काम मुकर्रर तरीके के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट इदारे इस पर काम कर रहे हैं। आइंदे 2 रोज के दौरान अहम इजलास होगा, जल्द अहम फैसलों के इम्कान हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के केस में एक गवाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वाखंडे पर संगीन इल्जाम आयद किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन केस के एक गवाह प्रभाकर ने हल्फिया NCB के अफसर समीर वाखंडे पर इल्जाम आयद किया है।
गवर्नर ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया है कि एनसीबी अफसर ने आर्यन की रिहाई के अवज शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक समीर वाखंडे की जानिब से इन इल्जाम की मुकम्मल तस्दीक की गई है, जबकि एनसीबी अफसर ने इस वाकये के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखा है जिसमें उनसे मजीद सिक्योरिटी की दरख्वास्त की गई है। ख्याल रहे कि आर्यन खान को एनसीबी ने मंशात इस्तेमाल करने के केस में 3 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले क्रूज शिप पार्टी से गिरफ्तार किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले 2 अरब 60 करोड़ सारिफिन के लिए खतरे की घंटी बज गई। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने इंटरनेट ब्राउजर को क्रोम सारिफिन को बड़े खतरे से खबरदार करते हुए बताया कि सिस्टम में 5 ऐसे नकायस की निशानदेही हुई है जो सारिफिन के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। गूगल के मुताबिक इन खामियों की वजह से गूगल क्रोम के 2 अरब 60 करोड़ से ज्यादा सार्फिन हैकर्स का आसानी शिकार हो सकते हैं। गूगल की जानिब से इन शाया करदा ब्लॉग पोस्ट में इन 5 नकायस को मामूली नहीं बल्कि हायरे से इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। कंपनी ने सार्फिन को हिदायत की है कि वो अगर हैकर से महफूज रहना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इंटरनेट ब्राउजर क्रोम को अपडेट कर ले। माहिरीन के मुताबिक क्रोम में 11 सिक्योरिटी नकायस की निशानदेही हुई थी, जिनमें से 6 को दूर कर दिया गया है जबकि 5 ताहाल बरकरार है। गूगल क्रोम में सिक्योरिटी नाकस की निशानदेही अमरीका की टेक्नोलॉजी कंपनी के माहरीन ने की, जिसके बाद कंपनी ने भी इसका एतराफ किया। माहिरीन ने नकायस को सफेद खतरा करार देते हुए इंतहा खतरनाक करार दिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। स्विंग के सुल्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम भी पाकिस्तान के हाथों भारत की दर्दनाक शिकस्त पर खासे पुरजोश हैं। सोशल मीडिया पर वसीम अकरम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी में भारत को वर्ल्ड कप में हारते हुए देखने पर खुशी का इजहार करते हुए देखा जा सकता है। वसीम अकरम का कहना था कि शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच जीते देख लिया। उन्होंने कहा है कि देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड अभी भी भारत से बेहतर है, लेकिन वर्ल्ड कप में हम इनसे बेहतर नहीं थे, लेकिन कल टीम के लड़कों ने सारी कमी पूरी कर दी। वसीम अकरम ने मजीद कहा है कि मुझे लगता है कि कल का मैच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तब्दील कर देने वाला मैच है। कल के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम का माइंड सेट चेंज हुआ है। कल की जीत से अंदाजा हो गया है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों में सलाहियत कितनी है, लिहाजा मुतमईन रहें और इसी जज्बे के साथ खेलें। वसीम अकरम ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहीन शाह अफरीदी को दुनिया के बेहतरीन बॉलर में से एक करार दिया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारतीय रियासत अर्सिया में नौजवान ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपने 55 साल अहलिया को फरोख कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत अर्सिया से ताल्लुक रखने वाले 17 साल नौजवान ने अपनी 55 साल अहलिया को 1,80,000 भारतीय रुपए के अवैध फरोख करके स्मार्टफोन खरीद लिया। पुलिस ने राजस्थान के जिले बारान में कार्रवाई करके खातून को 1 माह बाद बाजियाब करा लिया, जहां खातून ने बताया कि इसके शौहर ने शादी के 1 माह बाद ही एहलिया को अधेड़ उम्र शख्स के हाथों फरोख कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जोड़ा ईंटों के भट्टे में काम करने के लिए राजस्थान पहुंचा था, जहां 17 साल के नौजवान ने अपनी 55 साल एहलिया को फरोख कर दिया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार किया तो इसने बताया कि मिलने वाले पैसों में से इसने खाना खाया और स्मार्टफोन खरीदा। मुलजिम ने बताया कि जब वो राजस्थान से वापस गांव पहुंचा तो घर वालों ने बीवी की अदम मौजूदगी के हवाले से सवाल किया, जिस पर उसने बताया कि वो छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। भारतीय पुलिस का कहना है कि खातून को बहुत मुश्किल के बाद बाजियाब कराया गया, क्योंकि खरीदार का कहना था कि उसने रकम अदा कर दी है, जिसकी वजह से वो गाँव से बाजियाब कराने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सेंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिबिल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सेंटियागो कैनियन कॉलेज अमरीका में दाखिलों की जमानत देता है। सेंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।